आज के वीडियो में न्यू मारुति ब्रेजा के कॉन्स को कवर करेंगे कि नई वाली ब्रेजा में क्या क्या कमियां मिलती हैं जो कि आपको खरीदने से पहले कंसिडर करनी चाहिए। शायद ये कमियों के बाद आपको दूसरे ऑप्शन ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये जो सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला, इसमें गाड़ी कम नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। हुंडई वेन्यू है, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, एसयूवी 300, फिर उससे थोड़ी सी नीचे जाओ तो मैग्नाइट काइगर का भी ऑप्शन है। तो यार सेगमेंट काफ़ी बड़ा है, लिस्ट बहुत बड़ी है। ऐसा ना हो कि आपको इसके कॉन्स ना पता हो, कॉन्स भी आपको जानना चाहिए। और आपको पहले ही बता देता हूँ, ये कॉन्स का मतलब ये नहीं हो कि गाड़ी खराब हो गई। नो डाउट नई वाली ब्रेजा बहुत ही कमाल की है, लुक्स के टर्म्स में हो या फिर इंजन के टर्म्स में हो या फिर मारुति का ट्रस्ट, आप सभी को पता है। फिर भी कॉन्स आप जान लो, शायद इसमें से कोई भी कॉन्स आपको मैटर करे। तो पहला कॉन्स नई वाली ब्रेजा में है कि इसमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है। इसके जितने भी राइवल है ना, सब में आपको डीजल इंजन मिलता है। चाहे आप वेन्यू उठा के देख लो, नेक्सॉन उठा के देख लो, सोनेट उठा के देख लो, एसयूवी 300 उठा के देख लो, सब में डीजल इंजन है। लेकिन इसमें डीजल इंजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक कमी है। बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई डीजल इंजन खरीदना है, तो उनके उनके लिए भी ब्रेजा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ी कमी है डीजल इंजन लवर के लिए। आप सभी को पता है ब्रेजा में वही 1.5 लीटर का एक ही इंजन मिलता है, पेट्रोल वाला, जो कि K15 है, नया इंजन है, हाइब्रिड इंजन है, तो बस वही मिलता है। हाँ, CNG फ्यूल का ऑप्शन आ सकता है फ्यूचर में, बट डीजल की कोई भी उम्मीद नहीं है। सेकेंड कमी मुझे लगती है कि इसका जो VXI वेरियंट है ना, वो थोड़ा सा ओवर प्राइज है। अब देखो, अगर आप मारुति की कोई भी कार उठा के देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती है वो VXI वेरिएंट की होती है, काफ़ी लोगों को पसंद आती है, फीचर्स भी हमें सारे मिल जाते हैं। VXI ब्रेजा ना थोड़ा सा मुझे प्राइसिंग में ज़्यादा लग रहा है। जैसे आप देखो तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 9.47 लाख, जो कि अगर मैं इसी को एक कंपैरिजन के लिए नेक्सॉन के जो XM वेरिएंट है उससे करूं, तो नेक्सॉन XM वेरिएंट की प्राइस 8.55 लाख कुछ है, ठीक है। फीचर्स में लगभग सेम ही है, बल्कि कुछ एडवांटेज ही चला जाता है नेक्सॉन की तरफ। मैंने कंपैरिजन किया तो आप देख लेना। इनफैक्ट अगर आप नेक्सॉन में XMS देखोगे, इसमें सनरूफ आता है, वो भी 9 कुछ का है एग्जैक्ट। अभी उसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं VXI अभी थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लग रहा है, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, शायद मारुति को लगा कि थोड़ा सा प्राइस इसकी बढ़ा दो। यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम मुझे न्यू ब्रेजा में लगती है इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अब अगर आप देखो तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्राइसिंग ना लगभग 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा रहेगी। अगर आपको VXI में ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, ये उतना एडवांस भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपये पे करना प्रीमियम ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। यहीं पे इसके राइवल्स आपको टर्बो पेट्रोल के साथ साथ एडवांस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करते हैं, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल ऑटोमेटिक मिलता है, वो भी 1.5 लाख रुपए देने के बाद। तो ये भी एक कमी है कहीं ना कहीं कि यार थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगेन, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको मारुति ही खरीदनी है, ब्रेजा ही खरीदनी है, तो आप दे सकते हो 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा, आपके ऊपर है पूरा। बट ये कमी मुझे लगी, मैंने आपको बताया। फोर्थ कमी, नई वाली ब्रेजा में भी 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि यार मुझे लगता था कि 6 स्पीड दे देना चाहिए था अभी के लिए। पर्सनली ब्रेजा को मैंने बहुत चलाया, पुरानी वाली जनरेशन को, तो कभी कभी मुझे लगता था यार कि 6 स्पीड होना चाहिए। अब इसके राइवल्स भी आप देखो तो सारे 6 स्पीड ऑफर कर रहे हैं। नेक्सॉन में भी मैनुअल 6 स्पीड मिलता है, वेन्यू में भी मिलता है, और आपका सोनेट में भी मिलता है, तो सब में 6 स्पीड मिलता है। लेकिन इसमें केवल 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है, जो कि अभी के लिए मुझे लगता है कि, क्योंकि देखो इंजन काफ़ी अच्छा है, 1.5 लीटर का है, K15 हाइब्रिड इंजन है, तो पावर वगैरह ठीक है, टॉर्क भी ठीक ठाक मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं आपको हाईवे में एक गियर की कमी लगेगी। फिफ्थ कॉन्स है इसका कि इसमें बूट स्पेस बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप इसके राइवल्स को देखो, अच्छा खासा बूट स्पेस ऑफर करते हैं। जैसे नेक्सॉन का बूट स्पेस है 350 लीटर का, वेन्यू का 350 लीटर का, सोनेट का इससे भी ज़्यादा 392 लीटर का, तो सभी में अच्छा खासा बूट स्पेस मिल रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बूट स्पेस को उतना मैनेज नहीं किया गया है। इनफैक्ट मैग्नाइट, जो कि इससे थोड़ी सी छोटी है साइज़ में, उसमें भी 336 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि इससे ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेजा में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो जिनको बूट चाहिए अपनी गाड़ी में अच्छा, तो वो थोड़ा सा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये भी कमी आप देख सकते हो। ओवरऑल गाड़ी को आप देखो तो डायमेंशंस, ऐसा नहीं कि डायमेंशंस कम है, डायमेंशन अच्छे खासे हैं, स्पेस वगैरह बाहर से देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, बट बूट स्पेस को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है। तो ये टोटल 5 कॉन्स हैं जो कि नई वाली मारुति ब्रेजा में मैंने फील किए। इसके अलावा एक और छोटा सा कॉन्स बताऊँ, जो कि मुझे लगता है कि मैं इसको एज ए कॉन्स देख रहा हूँ, वो ये है कि देखो, नई वाली ब्रेजा का बहुत हाइप था, बहुत सारे फीचर्स आएंगे, लेकिन आज भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है, जो कि इसके राइवल्स ऑफर करते हैं। जैसे इसमें वेंटिलेटेड सीट अभी भी नहीं मिलता, ड्राइविंग मोड नहीं मिलता, फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं मिलता, ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि अभी भी मिसिंग लगते हैं।
अब मिसिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके राइवल्स आपको देते हैं, जैसे आप वेंटिलेटेड सीट्स देखो तो फ्रंट में नेक्सॉन भी ऑफर करता है, सोनेट भी ऑफर कर रहा है, तो सभी में मिलता है ना। ड्राइविंग मोड भी आप देखो तो नेक्सॉन में तो बेस मॉडल से ही आ रहा है, वेन्यू में भी आ रहा है, तो यार कहीं ना कहीं ये फीचर्स आज भी मुझे लगता है कि मिसिंग है। हाँ, एक दो फीचर ब्रेजा में एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, जैसे कि आपका हेडसअप डिस्प्ले, बट स्टिल ये फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है। तो ये है इसके टोटल 6 कॉन्स जो कि नई वाली ब्रेजा में मैंने फील किए। आपको कौन सा कॉन्स मैटर कर रहा है बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। वैसे ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्स आपको मैटर करें, एक दो कॉन्स से आपको हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़े, तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।